मेरा काम तो सही कर ले कर है? मेरा सुबह से मेरे हाथ में सवाल है, नहीं बक्कल तार दूंगा तेरा। मुझे देख के चुपके सुनता हूँ। घर पे ही है तो घर पे ही आज जरूर नहीं। खाने वाने की क्या बात कर रहा हूँ, रोटी बना चल। चल खड़ी हो, खड़ी हो, चल। डाल दे, डाल दे। भैया मुझे माफ कर दीजिए। क्या डाल दिया? उबा, उबा अब क्या हो गया? बे किसने ऐसी गुस्ताखी करी? अबे क्या डाल दिया है मेरे सिर पर? ये कौन चिल्ला रहा दीवार के नीचे? भैया मुझे माफ कर देना, गलती से हो गया। गलती से हो गया? उसे शेख चिल्ली को बुला अंदर से। मैं देखता हूँ इसे आगे मारूंगा। उसे देखता हूँ, गलती तो मैं उसकी देखता हूँ। मैं मुझे पहले डर था, फिर मैं घोल भी सही नहीं गिर सकता कहीं। क्या करूँ, गलती हो गई। मैं बंदू कमबख्त, तू क्या कर रहा है यहाँ? अबे शेख चिल्ली, मैं लेने तो तेरी फोटो आया था, पर देख तेरी बहू ने मेरा क्या हौलिया बिगाड़ दिया यार। ठीक है, तेरे ख्याल तो यार होना भी चाहिए था। अच्छा हाँ, तूने मुझे कितना परेशान किया था पट्टे उस दिन। अच्छा तो ये सब तेरी करामात है, अब समझेगा। ठीक है ठीक है, निकल लो। फोटो वोटो नहीं है, निकल। निकल लूं? ठीक है, आज तो निकल जाता हूँ, पर आऊंगा जरूर दोबारा। लोग निकल ले, निकल ले, फोटो जरूर लेनी है। नहीं निकला, फोटो से ज्यादा कदर नहीं। आऊंगा जरूर, याद रखना। मैं पगली है फोटो लेने के चक्कर में? मैं फोटो दूं नहीं सर, रोज आवाज जंगल में मिलेगा। शेख चिल्ली फोटो दे दे, शेख चिल्ली फोटो दे। ये फोटो का चक्कर में फिर रहा, इधर फोटो ले देना। वह महबूब। हाँ जी चाचा। तो बेटे आजकल क्या कर रहा है, कुछ कमारा दमारा है या नहीं? अरे मियाँ, जिसे मिले यूं वो खेती करे क्यों? घर पे जाके रोटी खा लेता हूँ, और 10-20 रुपए की जरूरत होती है तो चाचा किस लिए? साले आवारा गर्दी में लगा रहेगा। भाई जान, बेटा तू कुछ कमा रहा है नहीं? चाचा जान करा तो हाँ, कल से एक चिल्ली ठोक दिया। से एक चिल्ली ठोक दिया? हाँ। सही कह रहा है ये, तीन जनों ने हमने दोस्तों ने मिलके बहुत मारा उसे। अच्छा हाँ, अबे से एक चिल्ली तो ये आ रहा, बड़ी मस्ती में आ रहा है तो सारा। आने दो आने दो। अरे शेख जी जरा इधर तो आओ। पता नहीं साले मुझे क्यों बुला रहे, साले मुझे बेवकूफ समझ रहे, मुझे बिन बात ही पीटते रहे साले। ये भी पीटते दिखे, बेवकूफ हूँ मैं। अरे आ जाओ आ जाओ शेख जी, आ जाओ आ रहा हूँ। शेख जी का पागल बनाए गए सर, लंबा खींची हो। अच्छा बहुत अच्छा लगे मुझे। आ जा इधर आ जाओ शेख जी जरा। अबे कमबख्त शेख चिल्ली से क्यों मार रहा? तुम्हें पता नहीं है, इन्होंने कल सालों ने मुझे खूब ठोका। खूब ठोका? खूब मारा। हाँ अबे अकेलो ने मारा? अबे मुझे भी साथ होना चाहिए था इनके तो। क्या तुम भी मारोगे? अबे क्या हमें अब चौधरी साहब के कुत्ते ने काटा है जो हम तुझे मारेंगे? अगर तू हमारे चार सवाल का जवाब सही दे देगा तो हम तुझे 100 रुपए देंगे, अगर नहीं दिए गए तो 100 रुपए वापसी ले लेंगे, और 2 लपाटे लगेंगे। लपाटे लगेंगे 2? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मंजूर है। अरे पूछो, पूछना तू बता कर जाएगा शेख चिल्ली। आप पहले तसल्ली से हमारा सवाल सुने। सुनाओ।
अच्छा तो शेख चिल्ली मेरा एक सवाल बता, सूरज पूरब से क्यों निकलता है और पश्चिम में क्यों छिपता है? भाई से तो मैं नहीं बता दूंगा, इतना लगा रहा तो इसीलिए तो पूछ रहे तुझसे। हाँ तो सुनो। हाँ बता। सूरज पूरब से तो निकलता है, किस आले का घर है पूरब में, और पश्चिम में छिपता उसका घेर है पश्चिम में। उस आला घर तो सोने जावे, सवेरे को सो के घेर में जावे डांगरों को निहार करने, उस आदत पड़ी हुई है, घर से घर, घेर से घर, घर से घेर। अच्छा हाँ, पागल मान रहे उस एक चिल्ली को। एक सवाल और बता तो, दुनिया का सबसे कड़वा खाना पीना कौन सा? ठीक है हाँ, तो सबसे कड़वा खाना पीना भी सुन ले, मैं खामोखा का गाली पीना और खामोखा की मार खाना। अच्छा मेरा एक सवाल बता, जब टीपू सुल्तान युद्ध किया करता था तो दूर दूर तक मैदान साफ कैसे हो जाया करता था? हाँ उसकी बता रहा हूँ, टीपू सुल्तान के जितने सैनिक थे ना, सब साले हाथ में झाड़ू रखे थे। शेख चिल्ली चौथा सवाल बता, मोटरसाइकिल पे दो चींटियां जा रही थी, बीच में एक्सीडेंट हो गया, अब बता एक चींटी मर गई और एक जिंदा है, जिंदा कैसा ये जब बता? होश ले ले, तेरा बता रहा हूँ, होश ले ले। हाँ तो क्या है भाई सवाल, क्या है तेरा? मोटरसाइकिल पे दो चींटियां जा रही थी, बीच में एक्सीडेंट हो गया, अब बता एक चींटी मर गई और एक जिंदा है, जिंदा कैसा ये जब बता? वह तुझे नहीं पता पगले, उस चींटी ने एरोमेट का हेलमेट पहन रखा था, मैं खुद वहीं देख रहा था साली को। मैं पागल हूँ शेख चिल्ली को बेवकूफ मान रहे हो साले? ऐसे बैठे हो झूठ लगा कर, साला मैं लगा दूंगा लठ, लपाटे लगाऊंगा, बैठे साले अकल बंद। साले शेख चिल्ली सारे के सारे सवाल तुमने जो है गलत बताए, अब 100 रुपए निकाल फटाफट। 100 रुपए? भाई मुझे बेईमान समझ रहे, मैंने बिल्कुल ठीक बताए, बिल्कुल सच्चे सवाल है। अबे ठीक नहीं है ये, इसके मारूंगा मैं तो लपाटे। लपाटे क्यों मारेगा? मैं साला एक को धुन दूंगा, लाठी ले रहा हूं। लाठी ले रहा, भूल कर दिखाया कल की, कल तो कल जितना। साला भाग गया, हाथ से निकल गया साला। अरे साला भाग गया। अब छतरी भी मिल जाती है आज। अरे छतरी तो साले से लेनी, पकड़ूंगा फिर जहाँ मिलेगा मुझे कभी। ना तुम्हारी छतरी अभी उसने अभी ना दी, छतरी भी महंगी थी भैया। अरे आज भाग गया, फिर पीटेगा, फिर मिलेगा, देख लेंगे, फिर किसी दिन देख लेंगे। आज तो भाई 4 रुपए बजा गया, बस हमने बचवा दिया, हम तो काबू में ना। अबे मेरी तो सुरख कर दी कसम से, देखियो देख लो मुंह काला, नजर लगाएगा क्या? अबे बुरा मानने की इसमें क्या बात है, चल उठा। ठीक है चलो उठ। बोए बोए कमाल कर दिया, चल खुरपी निकाल के रख दे।
अम्मी खुरपी तो है ही नहीं। अरे तू खुरपी खो आया, जल्दी जाओ जंगल में को उठा के ले जाएगा। इतने की तो तेरी घास भी ना है जितनी की खुरपी है, जल्दी जाओ भाग के जाओ। ठीक कह रही हो अम्मी, चलता हूँ खुरपी लेकर आता हूँ। साले तार देगी अम्मी बक्कर, खुरपी नहीं मिली तो अम्मी मारेगी, मेरा निकाह भी नहीं करने की। नहीं को तो खोदी थी घास, नहीं बंधवाई थी सलीम ने मुझे घास, मिली नहीं रही। यहाँ पड़िया फूफी, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, तो गर्म हो रही है, अब क्या होगा? इसका मतलब इसे बुखार हो गया है, बुखार हो गया तुझे, वैद्य जी को लेके चलता हूँ। हकीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे शेख साहब, तुम तो ठीक हो, यहाँ कैसे? मैं तो ठीक हूँ हकीम जी, मगर बुखार तो मेरी खुरपी को है, दवाई दे दो वरना अम्मी मारेगी। ये क्या हकीम जी, मेरी मजाक करा रही हो? अरे लगता है तो पागल है, इसका इलाज तो तुम खुद भी कर सकते हो। वो कैसे हकीम जी? किसी होती में किसी कुएं में ले जाके 3-4 डुबकी लगवा दो, इसका बुखार उतर जाएगा। ठीक है हकीम जी, मैं तो ऐसे कर लूं, मगर आपके क्यों हंसी है? हम तुम पे नहीं बल्कि तुम्हारी अकल पे हंसे। वो कैसे? वो ऐसे कि हकीम जी के बताने से ही डॉक्टर बन गया, कितनी बड़ी अकल है। ठीक है ठीक है ठीक है, हंसो ले लो दवाई तुम भी। ठीक है हकीम जी ने जो बतलाया था, नहीं तार लेता हूँ खुरपी का बुखार। हैं फोन तो लगी ठंडी सी, और डुबो लेता हूँ एक बार, बिल्कुल तार लू बुखार। अब ठीक है, वाह वैद्य जी तुम्हारा भला हो, या अल्लाह उतर तब या बुखार। चल भाई शेख, चल अब घर चलता। अब इसमें क्या हाथ ऐसी निकल रही है? सलीम, अबे ओ सलीम, अबे कहाँ जा रहे हैं मुठाए? अरे यार कहाँ जा रहा हूँ यार, 2 दिन से बहुत परेशान हूँ शेख। क्यों, क्या बात हो गई? हमारे एक पड़ोसी की 2 दिन से तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है उसको। बुखार, बस बुखार बुखार है? हाँ। फिर कहाँ जा रही हो? मैं हकीम जी को लिवाने जा रहा। अरे हकीम जी की टाल कर, तेरे पड़ोसी का बुखार तो मैं उतार दूंगा। वो कैसे? वो ऐसे, तू उसे ले आ, देख भी लीजो और वो ठीक भी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? हाँ। तो फिर यहीं लाना पड़ेगा भाई, मैं दवाई तो वहां ले जाऊंगा नहीं, क्योंकि दवाई तो एक जगह रखी है। जा यहीं ले आ, तो और तेरे पड़ोसी को ठीक कर दूंगा बिल्कुल। तो चल ले, लेके आ मैं उसे। नहीं भाई, अपना आप लाओगे, मैं नहीं जाने वाला। पर ये बता दे पैसे कितने लगेंगे? अरे घर की बात है, देवे देवे ना देवे, ठीक है जब तेरा पड़ोसी ठीक हो जाए दे दीजिए। तो यहीं ले आऊं? ले आऊं, वहां बैठा मिलूंगा तुम्हें।
ट्वेल की होती पे मैं लेके आ रहा हूँ। जाओ जल्दी जाओ, तो घर ही जाओ। आया नहीं चली।